वो ढेर सारा गुड मॉर्निंग, और बाकी जो नहीं जुड़े हैं उन्हें जोड़ लो, कैसे जोड़ोगे उन लोगों को शेयर करके सेशन, ठीक है? तो फटाफट एक बार क्या कर दोगे, शेयर कर देना सेशन ताकि सभी लोग हमारे साथ में जुड़ जाएं। हेलो एवरीवन, नाउ टेल मी वन थिंग, इज एवरीथिंग क्लियर? यानी आप लोगों को सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, एवरीथिंग ओके है ना? यू कैन इजिली लिसन एंड सी एवरीथिंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। एवरीथिंग ओके, चलो एवरीथिंग परफेक्ट, बहुत अच्छी बात है। नाउ ओके, एज यू नो आज की जो क्लास है टीएनए की मैं ले रही हूँ, और आज और कल मैं लूंगी, बट ऐसा नहीं है कि अभी ऐसा ही होने वाला है। अब फ्यूचर में मैं टीएनए नहीं लूंगी, टीएनए आपका सर ही लेंगे। मेरी एक न्यू क्लास आएगी 6 AM पर, तो आप लोग चाहो तो इसको ज्वाइन कर सकते हो। ओके तो बेसिक जो हमारा 6 AM पर होगा ये फोकस होगा एमसीक्यूज पर। ओके तो ये आपका 6 AM पे शुरू होगा, शुरू होने वाला है कब से, मंडे से। ओके, मंडे से सुबह 6 बजे आपका एक नया सेशन शुरू होने वाला है, एमसीक्यूज फॉर्मेट में रहेगा, जिससे हम लोग एमसीक्यू के थ्रू जो है अपनी ज़्यादा की ज़्यादा चीज़ें रिवाइज कर सकते हैं, ऑल दी करंट अफेयर्स, ठीक है? तो इस बात को सभी ध्यान रखना। नाउ सी व्हाट विल बी द क्लास इंडेक्स फॉर टुडे, नेशनल न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज, बैंकिंग, फाइनेंशियल, देन अपॉइंटमेंट्स, स्पोर्ट्स, बुक्स एंड ऑथर्स, इंपॉर्टेंट डेज, स्टेट विल बी डूइंग तमिलनाडु, एंड देन विल यू विल बी हैविंग सम क्वेश्चन। ओके एनीवे, ड्यूरेशन इसकी जो ड्यूरेशन होगी हार्डली 20 मिनट्स की होगी, ठीक है? 20 to 30 मिनट्स की इसकी ड्यूरेशन होगी जो हम लोग करेंगे इस क्लास में। ओके आराम से क्या हो जाएगा, इजीली आप लोग क्या कर सकते हो, इसको रिवाइज कर सकते हो। एक और बात है, जो आपकी 8 PM की क्लास है शायद से अभी नहीं चलेगी कुछ टाइम तक। ओके नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी वन थिंग दैट देर इज नो काइंड ऑफ मोटिवेशन थॉट फॉर टुडे फॉर यू ऑल, ठीक है? आज आपके लिए कोई भी मोटिवेशनल थॉट नहीं है। सो वाई इज इट सो मोटिवेशनल थॉट नहीं है, ये तो गलत बात है, इजंट इट? नो, ये गलत बात नहीं है। मोटिवेशनल थॉट ना होने का आज का सेंस ये है कि गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, है ना? मोटिवेशनल थॉट हमेशा हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है, वी नीड टू बी मोटिवेटेड बाई आर सेल्फ, ठीक है? खुद को ही मोटिवेटेड रखना है। मैं तब से सोच रही थी अच्छा सा एक थॉट लगाऊं जो आप सबको पसंद आए, बट देन आई थॉट व्हाट इफ आई डोंट पुट एनी काइंड ऑफ मोटिवेशनल थॉट, अगर मैं कोई भी मोटिवेशनल थॉट ना लूँ तो फिर ये कि अपने से खुद को ही मोटिवेट रखना है, यानी कि जो आपके वाइब्रेशंस हैं वो आप लोग खुद ही क्या कर सकते हो, पॉजिटिव कर सकते हो। हाउ कम, कैसे आप लोग अपनी वाइब्रेशंस को पॉजिटिव कर सकते हो, खुद को पॉजिटिव रखकर, ठीक है? अपनी माइंड में हमेशा पॉजिटिव चीज़ें रखा करो। जो भी हम लोगों के दिमाग में फियर है, जो भी हम लोगों के दिमाग में तमाम तरीके की चीज़ें हैं दैट वी आर अफ्रेड ऑफ, ये कुछ भी नहीं है, ये हमारी बनाई हुई सर्कमस्टेंसेज हैं। ओके सो इससे छुटकारा कैसे पा सकते हो, खुद से। व्हेन यू हैव क्रिएटेड देम यू हैव टू ओवरकम दीज। हाउ कैन यू ओवरकम दीज, बाय बींग पॉजिटिव। ओके सो ट्राई टू बी पॉजिटिव एटलीस्ट फॉर सम टाइम एंड सी द चेंज इन यू। ओके ये सारी चीज़ें आपके खुद की बनाई हुई हैं, किसी ने कुछ नहीं किया है, आपने खुद अपने लिए बनाया, आपने खुद अपने लिए बना करके सोच सोच के उसमें इतने थक चुके हो कि आपको लगता है आप कुछ हो ही नहीं सकता है। फॉर एग्जाम्पल फ्यू ऑफ यू थिंग्स, हाउ कैन आई क्लियर द एग्जाम, मेरा टेस्ट तो बहुत बुरा हो रहा है। ओके हाउ कैन आई क्लियर, आई एम गिविंग द मॉक्स एंड आई एम अटेम्प्टिंग वेरी लो, आई एम गेटिंग वेरी लो मार्क्स ओके इन ऑल द मॉक्स। सो इट इज लाइक यू आर गेटिंग लो, यू कैन स्टिल परफॉर्म बेटर। हाउ, कैसे अच्छा कर सकते हो, ज्यादा प्रैक्टिस करके यू कैन डू बेटर, इजंट इट? बट यू हैव ऑलरेडी क्रिएटेड सम सर्कमस्टेंसेस कि नहीं, अब मेरा नहीं होगा, और आप इतने डर चुके हो ना कि आपको वो आपकी प्रिपरेशन से रोक रहा है। सो डोंट डू दीज थिंग्स, जस्ट बी हैप्पी, बी पॉजिटिव एंड सी द चेंजेस इन यू। इतने सारे चेंज आपको खुद नजर आएंगे कि आपको लगेगा कि येस आई शुड डू समथिंग गुड एंड आई कैन डू। अब मैं लो मार्क्स कर रहा हूँ स्कोर, लेकिन इन द फ्यूचर आई विल बी डूइंग वेरी वेरी गुड। ओके सो बी वेरी वेरी पॉजिटिव, इजंट इट? चलो, थॉट इज जस्ट अ थॉट, इनडीड थॉट इज जस्ट अ थॉट। तो थॉट उसमें हम लोग ये जानते हैं ना वॉट एग्जैक्टली इज पॉजिटिव एंड वॉट इज नेगेटिव, तो इस पर स्विच करते हैं। ओके चलो देखो भैया, आज हमारी हेडलाइंस क्या है, ध्यान दो। केंद्र ने मुद्रा लोन का टारगेट कम करके 3 ट्रिलियन तक कर दिया है। भुवनेश्वर पहली सिटी बन चुकी है जो 100% वैक्सीनेशन अचीव कर चुकी है। प्रोबेबली आप लोग इसको पढ़ चुके होंगे, बिकॉज ये बहुत पुरानी न्यूज है। नाउ अनदर थिंग, 7 इंडियन कंपनीज फीचर इन फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट फॉर 2021। वॉलमार्ट ने टॉप किया है। RBI ने इंडसइंड को अलाउ किया है एजेंसी बैंक की तरह एक्ट करने को। HDFC ने लॉन्च किया है दुकानदार ओवरड्राफ्ट स्कीम। इंडो रशिया जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इंद्रा अगस्त में होने वाली है वोलोग्राड इन रशिया में। जर्मनी के वरेव ने टेनिस मेन सिंगल क्लिंच किया है टोक्यो ओलंपिक्स में।
देन IMF ने अप्रूव किया है 650 बिलियन एलोकेशन SDR का. RBI ने इम्पोज किया है 50.35 लाख जन लक्ष्मी को ऑपरेटिव बैंक पर. IMEI ने अपॉइंट किया है गुलशन राय को एडवाइजरी बोर्ड मेंबर में. रामा किर्लोस्कर ने अपॉइंट किया है जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर किर्लोस्कर ब्रदर्स में. मार्सल जैकब्स इटली के और जमाइका एलायन थॉमसन हेरा विन जो है इन्होंने क्या जीता है 100 मीटर टाइटल टोक्यो ओलंपिक्स में. देन USA ने मेक्सिको को हराया है एक्स्ट्रा टाइम क्लिंच करके 2021 CONCACAF वर्ल्ड कप गोल्ड कप फुटबॉल में. इसके अलावा एक किताब है जिसकी टाइटल है द मोस्ट इनक्रेडिबल ओलंपिक स्टोरीज. इसके ऑथर हैं लुसियानो वर्निकल. और इसके अलावा US कोस्ट गार्ड डे ऑब्जर्व किया गया है August 4 में. तो ये कुछ पर्टिकुलर चीज़ें हैं जो हम लोगों को याद रखनी होंगी. ठीक है, कुछ ऐसी पर्टिकुलर न्यूज़ होंगी जो कि सर कवर कर चुके होंगे. ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग जो इंपॉर्टेंट थी वो मैंने पुटअप की हैं. और कुछ ऐसे भी आपको मिलेंगी जो डिफरेंट होंगी. ठीक है, तो आपको एक तरीके का मिक्सचर मिलेगा. यही हो जाता है जब वी बोथ आर टेकिंग TNAs. ओके, तो आपको एक तरीके के मिक्सचर मिलने वाले हैं. एनीवे लेट अस स्विच टू द न्यूज़ फॉर टुडे. कल किसका किसका पेपर है? एनीवन हैविंग देयर एग्जाम टुमारो फॉर RRBs? 9 to 15 इज नॉट कवर्ड. अमेजिंग. चलो सबसे पहले इसे देखते हैं अपन लोग. सेंटर कट्स मुद्रा लोन्स टारगेट टू ₹3 trillion इन FY 2022. ओके, है तुम लोगों का कल पेपर? यस, रिवीजन हो जाएगा इंडीड. चलो वेरी गुड. जिसका भी पेपर है काम डाउन फर्स्ट ऑफ ऑल. ठीक है, टेक अ डीप ब्रीथ एंड रिमेंबर एवरीथिंग विल बी ओके. ये कोई आखिरी मौका नहीं है, ये कोई पहला मौका नहीं है. तुमने पहले भी पेपर दिए हैं और तुम आखिरी बार नहीं देने जा रहे हो. देयर विल बी मेनी मोर एग्जाम्स. सो काम डाउन, टेक इट ईजी एंड डू एज बेटर एज यू कैन, डू एज बेस्ट एज यू कैन. उतना अच्छा करना पेपर में जितना कर सकते हो. एक और बात याद रखना, इफ पेपर इज टफ इट इज टफ फॉर everyone. इफ पेपर इज ईजी इट इज ईजी फॉर everyone. ओके, इस बात को ध्यान रखना. तो परफॉर्म अकॉर्डिंगली. एनीवे चलो अब न्यूज पे चलते हैं. सेंटर ने कट किया है मुद्रा लोन का टारगेट 3 trillion तक FY 2022 में. वॉट इज दिस मुद्रा लोन और इसमें क्या होता है? देखो इन 2015 मुद्रा वॉज लॉन्च. वॉट इज दिस मुद्रा? दिस इज माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी. ठीक है, तो इस बात को जरा आप लोग याद रखिएगा. ये डेवलपमेंट होता है रिफाइनेंस करने के लिए एजेंसीज का. किसका होता है? माइक्रो यूनिट. जो भी छोटी एजेंसीज होती है उनकी रिफाइनेंस करने के लिए मुद्रा को लॉन्च किया गया था April 2015 में. जो बेसिक एम था इसको लॉन्च करने का वो यही था, जितने भी छोटे इंडस्ट्रीज होंगे इन सभी को क्या किया जाएगा? इन सभी को रिफाइनेंस किया जाएगा. इनको रिफाइनेंस कैसे करते हैं? बेसिकली जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट होते हैं और जो NBFCs होते हैं वो मुद्रा लोन के अंदर के जो लोन्स होते हैं ये देते हैं एंटरप्रेन्योर्स को, माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स को या इंडिविजुअल्स को. ऐसा नहीं है कि मुद्रा बैंक बैठा हुआ है और वो बुला के सबको दे रहा है. वो इस तरीके से इसको फाइनेंस करता है MFI और NBFCs के जरिए. अब इसको बनाया गया था 2015 में बिकॉज हमारे वहां की जितनी भी स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस हैं ये करती तो अच्छा है और इनका बिजनेस भी बहुत ज्यादा फैला हुआ है. अप्रोक्स 49% एम्प्लॉयमेंट यही अकेले देती है. ओके, लेकिन धीमे धीमे जो है इनको और बढ़ाना था. कैसे हम लोग ज्यादा लोगों को कवर कर सकते हैं? तो यही तरीका था. अगर हम लोग ऐसे बैंक को बनाना शुरू कर दें और इनके थ्रू लोगों तक पहुंचना शुरू कर दें, इस वजह से मुद्रा लॉन्च किया गया था. नाउ मुद्रा को जब लॉन्च किया गया तो एक चीज याद रखिएगा, व्हेन मुद्रा वाज लॉन्च्ड इट इज लॉन्च्ड एज अ सब्सिडियरी ऑफ SIDBI. ओके, सो मुद्रा वर्क्स एज अ सब्सिडियरी ऑफ SIDBI एंड इट इज कॉल्ड एज अ इट इज कॉल्ड ए सब्सिडियरी ऑफ SIDBI एंड SIDBI इज द पेरेंट बॉडी ऑफ मुद्रा. ओके, सो एवरी ईयर हर साल मुद्रा को एक टारगेट देते हैं. एवरी ईयर मुद्रा इज असाइंड विद अ काइंड ऑफ टारगेट दैट यू हैव टू डिसबर्स दिस मच लोन. हर साल मुद्रा को ये टारगेट दिया जाता है कि इतने तक का लोन आपको जो है अप्रूव किया जा रहा है, इतने तक का लोन आप एंटरप्रेन्योर्स को दोगे. ओके, पिछले 3 साल से, सिंस लास्ट 3 ईयर्स द टारगेट हैज बीन रिड्यूस. पिछले 3 साल से लगातार टारगेट जो है क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है. एवरीवन नोज व्हाट विल बी द रीजन. द रीजन इज ऑब्वियसली द पेंडेमिक. ओके, पेंडेमिक इसका एक बहुत बड़ा रीजन है. नाउ टॉकिंग अबाउट दिस, क्या क्या अभी तक इनका रहा है, कैसा कैसा लोन का टारगेट रहा है. 2019-20 में जो था ये लोन का टारगेट था आपका 3.7 trillion. ओके, इसके अलावा 2020
21 में जो लोन का टारगेट था ये था 3.21 trillion, और इस साल आप लोग देख सकते हो इस साल का जो लोन का टारगेट अभी कर दिया गया ये 3 trillion है। तो कॉन्टिन्यूस क्या किया जा रहा है, इसको कम किया जा रहा है पिछले दो साल से। ओके, तो आपसे एग्जाम में सीधा पूछता है व्हाट इज द टारगेट गिवन टू मुद्रा, यानी कि मुद्रा के अंदर कितना लोन डिसबर्स करना है इंटरप्रेन्योर्स को, माइक्रो इंटरप्रेन्योर्स को, जो भी ऐसी NBFC और MFIs हैं। तो टोटल जो करेंगी वो 3 trillion करेंगी। कुछ दिन पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कुछ दिन पहले हम लोगों ने एक बात पढ़ी थी कि जून 25 तक देखा जाए, जून 25 तक मुद्रा ने ऑलरेडी जो है लगभग 3804 crore रुपीस डिसबर्स कर दिया था। ओके, अब बहुत ज़्यादा चांस है आपके एग्जाम में आने का अबाउट मुद्रा, बहुत ज़्यादा चांसेस है मुद्रा के बारे में आपसे पूछ सकता है। रिमेंबर द फुल फॉर्म जो मैंने आपको अभी भी बताया, इसके अलावा मैंने आपको बता दिया कि इसकी टारगेट कितने, कितनी ऑलरेडी डिसबर्स कर चुका है, किसके अंडर वर्क करता है, सिडबी के अंदर वर्क करता है। सिडबी की हम बात कर लें तो सिडबी सिचुएटेड इन लखनऊ, ये लखनऊ में आपके सिचुएटेड एक कंपनी है। इसके अलावा कब बनाई गई थी, 1990 में बनाई गई थी। और इसके साथ में एक और चीज़ याद रखिएगा, चीफ अभी कौन है, रमन साहब इसके चीफ हैं फिलहाल में, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को याद रखने होंगे, यू हैव टू रिवाइज ऑल दीज पॉइंट्स, दे कैन आस्क यू। नाउ व्हेन वाज मुद्रा लॉन्च्ड, इन अप्रैल 2015। ओके, कैन यू ऑल टेल मी व्हाट डज आर स्टैंड्स इन मुद्रा, व्हाट डज आर स्टैंड्स इन मुद्रा, जल्दी जल्दी आंसर्स करना सभी। My question is, what does R stands in Mudra? You have to tell that. Okay, Madhuri, Kuldeep, Joe Biden is also here. Smiley, Karthik, Sweetie, Shashank, Akhilya is very good. That would be refinance, okay? Micro unit development for refinance agency. Who is the minister of MSMEs? Who is the minister of MSMEs? That would be Narayan Rane and Rane Saab. Okay, which bank got the best in SMEs loan, ठीक है, SME में जो है बेस्ट किसको दिया गया था ये बताना। अभी इसके बारे में डिस्कस करती हूँ, आगे आने वाली न्यूज में हमें करना है। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। नो, ये आप लोग पढ़ चुके होंगे, इट इज अ काइंड ऑफ रिवीजन, विल बी रिवाइजिंग एवरीथिंग रिलेटेड टू वैक्सीनेशन। नाउ सी, भुवनेश्वर बिकम्स फर्स्ट सिटी इन इंडिया टू अचीव 100% वैक्सीनेशन अगेंस्ट COVID-19, ठीक है। टेल मी वेयर डज भुवनेश्वर बिलोंग्स टू, ये कौन सी सिटी में आता है, कौन सी स्टेट में आता है। सी, इन अ न्यू माइलस्टोन अचीवमेंट, ओडिशाज भुवनेश्वर हैज बिकम द फर्स्ट सिटी इन इंडिया टू अचीव 100% कोविड वैक्सीनेशन। द भुवनेश्वर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हैज लॉन्च्ड अ मासिव वैक्सीनेशन ड्राइव अगेंस्ट COVID-19 अक्रॉस 55 वैक्सीनेशन सेंटर्स। BMC हैड सेट बेंचमार्क टारगेट फॉर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पीपल टू कंप्लीट वैक्सीनेशन प्रोसेस विद इन स्पेसिफिक टाइमलाइंस, ठीक है। तो क्या हम लोग पढ़ रहे हैं कि जो भुवनेश्वर है ये एक नया माइलस्टोन सेट किया है, और क्या किया गया है, ओडिशा के भुवनेश्वर में, यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है, सो हैड इट हैड बीन वेरी इजी फॉर यू, ठीक है। ये पहली ऐसी सिटी बन गई है जो 100% कोविड वैक्सीनेशन अचीव कर चुकी है। ओके, नाउ दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, कीप दिस इन योर माइंड दैट इट इज द वेरी फर्स्ट सिटी। अगर आपसे पूछता है ऐसा कौन सा पहला स्टेट या ऐसा कौन सा पहला यूटी था जिसने 100% वैक्सीनेशन कवरेज किया था, तो ऐसा कौन सा था, ये था आपका लद्दाख, ठीक है, इन्होंने किया था। इसके अलावा ये याद रखिएगा, भुवनेश्वर ऐसी पहली सिटी बन गई है जिन्होंने 100% वैक्सीनेशन अचीव किया है। अभी अभी ओडिशा का एक और सिटी न्यूज में था, दैट वाज पुरी। ओके, इट वाज पुरी, एंड व्हाई वाज पुरी इन न्यूज, बिकॉज इट हैज कंप्लीटेड 100% पोर्टेबल वाटर। ओके, इसलिए ये भी अभी न्यूज में था, अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, भुवनेश्वर ऐसा पहला सिटी बना है जिसने 100% वैक्सीनेशन अचीव किया है। इसके अलावा लद्दाख ऐसी पहली जगह बना था जो अपने वहाँ पे 100% वैक्सीनेशन करा दिया था। भुवनेश्वर ओडिशा में, और ओडिशा का ही पूरी ऐसी जगह बना है जो 100% पोर्टेबल वाटर अपने वहाँ पे अवेल कराया है। इसके अलावा और भी कुछ बातें याद रखिएगा रिलेटेड टू वैक्सीन, वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट जो मिनवैक्स, ओके, मिनवैक्स ऑफ ISC बेंगलुरु, इन्होंने एक वैक्सीन बनाई थी जो कि हर एक वेरिएंट पे वर्क कर रहा था, और इसको कितने से कितने टेम्परेचर पर रखा जा सकता है, इफ़ यू ऑल रिमेंबर, इसे 37 डिग्रीज पर रखा जा सकता है, कब तक के लिए, अप्रोक्स फॉर अ मंथ, एंड टेल मी फॉर 100 डिग्री ये कब तक रखा जा सकता है, 100 डिग्री पे इसको रखा जा सकता है फॉर अप टू अ मिनट, ठीक है। तो ये बात को जरा ध्यान रखना। इसके अलावा, व्हाट इज द नेम ऑफ द डील अकॉर्डिंग टू विच ऑल द कंट्रीज विल बी गिवन इक्वल वैक्सीन, ठीक है, कौन सी ऐसी डील हुई है सभी देशों के बीच में जिसके अकॉर्डिंग सारे ही देशों को इक्वल वैक्सीन दी जाएंगी, दैट वुड बी कोवैक्स। ओके, और कोवैक्स के अंदर जो है कौन सी पहली कंट्री थी अपनी वैक्सीन रिसीव करने वाली, दैट वॉज घाना।
घाना वॉज द वेरी फर्स्ट कंट्री टू रिसीव द वैक्सीन. ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस विच वॉज द वेरी फर्स्ट वैक्सीन टू बी रजिस्टर्ड, इट वॉज स्पुटनिक 5 ऑफ रशिया. ओके, इन सारी बातों को ध्यान रखना. येस, दैट वॉज घाना. नाउ टेल मी वन थिंग, वॉट इज द फुल फॉर्म ऑफ कोवैक्स? What is the full form of COVAX? We have discussed it for like 10 or 12 times about the full form of COVAX. Okay, so it is kind of very easy question for you all. Can you tell me the full form of COVAX? इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें हम लोग याद रख सकते हैं, जैसे कि भारत की बनी हुई, भारत में बनाई गई सबसे पहले आपकी जो वैक्सीन है दैट इज़ कोवैक्सीन, भारत बायोटेक ने बनाया है. ओके, फिर याद कर लीजिएगा SII को. SII को हम लोग कैसे याद कर सकते हैं? इनके जो चीफ हैं अदर पूनावाला, इन्हें एशियन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया था. साइरस पूनावाला को हाल फिलहाल में कौन सा अवार्ड दिया गया? एनीवन हु कैन टेल मी कि साइरस पूनावाला को अभी हाल फिलहाल में एक अवार्ड दिया गया, व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट अवार्ड व्हिच ही हैव रिसीव्ड? यस, पहली मास्क फ्री कंट्री आपकी कौन बनी थी? मास्क फ्री पहली कंट्री आपकी इसराइल बनी थी. ओके, सो दीज वर सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दैट वी नीडेड टू डिस्कस. नाउ माय क्वेश्चन इज कि हाल फिलहाल में साइरस पूनावाला को कौन सा अवार्ड दिया गया? एनीवन हु कैन आंसर? ओके, फर्स्ट आंसर इज फ्रॉम जतिन, ही इज आंसरिंग लोकमान्य रिस्ट. ओके, यस, दैट वुड बी लोकमान्य तिलक अवार्ड. ओके, That will not be asked in your exam. They will ask you who had been bestowed with this award. ये हम लोगों को याद रखना होता है, बाकी we don't need to remember any other thing because हमें उससे कोई मतलब नहीं होने वाला है. ठीक है, अच्छा एक और भी बात, अभी अभी मातृ कवचम, एक आपके वहाँ मातृ कवचम एक कैंपेन आया था. दिस कैंपेन इज इन केरल. केरल में ये कैंपेन शुरू हुआ था और इस कैंपेन के अकॉर्डिंग जो भी प्रेग्नेंट लेडीज हैं दे कैन वॉक इन एंड टेक द वैक्सीन. ठीक है, मातृ कवचम, बस इस चीज़ों को याद रखना. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, किसी को कोई दिक्कत दुख परेशानी? नेक्स्ट इज 7 इंडियन कंपनीज फीचर इन फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट फॉर 2021, वॉलमार्ट टॉप कंपनी बाय रेवेन्यू. ठीक है, तो रेवेन्यू के अकॉर्डिंग जो टॉप पर है दैट इज वॉलमार्ट, और इसके अलावा 7 इंडियन कंपनीज जो है इनका नाम आया है फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट 2021 में. ओके, नाउ सी 7 इंडियन कंपनीज हैव फाउंड प्लेस इन 2021 फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट. द फॉर्च्यून ग्लोबल 500 इज एन एनुअल रैंकिंग ऑफ टॉप 500 इंटरप्राइजेस ग्लोबली एज मेजर्ड बाय बिजनेस रेवेन्यूज. मुकेश अंबानी लेड रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज हाईएस्ट रैंक्ड इंडियन कंपनी इन द लिस्ट इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू विद रेवेन्यूज ऑफ नियरली $63 बिलियन. इट इज प्लेस्ड एज 155th spot globally. Okay, globally Walmart has topped the list in terms of revenue for 8th consecutive year and 16th time in 1995. Okay, तो ध्यान दीजिएगा कि एक नई आपकी लिस्ट आई है. ओके, क्या नाम है? फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट. ये रेवेन्यू के अकॉर्डिंग कंपनीज को क्या करती है, अपने वहां पर लिस्ट करती है, उन्हें रैंकिंग देती है. तो इसमें भारत की 7 कंपनियों का नाम है, और ये भी ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा परफॉर्म किया. इनमें एक जो अच्छा परफॉर्म करने वाला था दैट वाज SBI, बाकी जितने भी हैं वो रेवेन्यू वाइज शॉर्ट हुए हैं और उनका जो रैंकिंग हुई है वो पीछे हुई है. उसमें जो सबसे आगे इंडियन कंपनीज में है वो रिलायंस है, और उसकी भी रैंक 155th है, कोई बहुत आगे नहीं है अभी. ओके, नाउ सी ये आप लोग रैंकिंग देख सकते हो, ये केवल इंडियन कंपनीज की है. 500 में क्या क्या रैंक है? रिलायंस की 155, SBI की 205, इंडियन ऑयल की 212, ONGC की 243, राजेश एक्सपोर्ट 348, टाटा मोटर्स 357, भारत पेट्रोलियम 394. यहाँ पे टॉप 3 याद रखिएगा, वॉलमार्ट, स्टेट ग्रिड और अमेजोन. कौन सी कंट्री को बिलोंग करता है इसके अलावा ये भी आपको याद रखना चाहिए. ठीक है, यस, चाइना रहेगा यार, कहीं चाइना ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? तो चाइना, USA, रशिया आर मस्ट. हालांकि ये कंपनी बेसिस पर है तो रशिया नहीं है, वरना अगर स्पेस में होता तो रशिया जरूर होती. अपार्ट फ्रॉम दिस ऑल्सो रिमेंबर वी हैव लर्नड अबाउट द ब्रांड स्ट्रेंथ इंडेक्स. डू यू पीपल रिमेंबर? हम लोगों ने ब्रांड स्ट्रेंथ इंडेक्स भी पढ़ा था. ये इंडेक्सिंग थी जो कंपनीज को रैंकिंग दी थी. ओके, और इस रैंकिंग में जो जियो है, जियो की रैंक थी 5th. ओके, रिमेंबर इट वाज जियो एंड नॉट RIL. RIL वुड बी डिफरेंट. RIL तो पूरी एक पेरेंट बॉडी हो जाएगी, जियो उसका एक सब्सिडियरी. ओके, तो जियो वाज रैंक्ड एट 5th, और इसमें फर्स्ट पे आने वाली जो कंपनी थी दैट वाज एप्पल. एप्पल टॉप दिस लिस्ट. व्हाट? ब्रांड स्ट्रेंथ इंडेक्स. कीप दिस इन योर माइंड. ओके, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. ये अच्छा सवाल है. फिर हमने एक और बात पढ़ी थी, चूंकि वी आर टॉकिंग अबाउट कंपनीज सो लेट अस वंस रिवाइज द MCAP थिंग. ओके, MCAP वाली अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग जो है इंडिया की पोजिशन ऑल ओवर द वर्ल्ड कितनी है? ऑल ओवर द वर्ल्ड है 8th.
ओके, और इसमें टॉप करने वाला कौन है? यूएस, इसके बाद कौन है? चाइना, और उसके बाद कौन हो जाता है? कनाडा। टॉकिंग अबाउट द मार्केट कैपिटलाइजेशन इंक्लूडिंग ऑल द कंपनीज, मार्केट कैपिटलाइजेशन में अगर हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, हम लोग कंट्री बेसिस पे बात कर रहे हैं, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। ओके, नाउ अनदर थिंग, एक और चीज़ को साथ ही साथ में आप सभी लोग याद रखे रहिएगा कि भारत में ऐसी कौन सी कंपनी थी जिन्होंने 200 बिलियन डॉलर मार्केट कैपिटलाइजेशन टच किया था? तो दैट वॉज अगेन रिलायंस। ठीक है, सबसे पहली बार 200 बिलियन डॉलर को जो मार्केट कैपिटलाइजेशन टच करने वाली कंपनी थी, दैट वॉज रिलायंस। ओके, किसी को कोई दिक्कत दुख परेशानी, कोई ऐसी भयानक बात आप लोग पढ़ लिए जो नहीं समझ आया, या कोई बहुत आसान चीज पढ़ ली जो तुरंत समझ आ गया? एनीवे, नेक्स्ट इज इंडो रशिया जॉइंट मिलिट्री ड्रिल एक्सरसाइज इंद्रा 2021 टू बी हेल्ड इन ऑगस्ट 2021 एट वोल्गोग्राड इन रशिया। ठीक है, तो भारत और रशिया की एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसका नाम है एक्सरसाइज इंद्रा 2021। ये होगी आपकी अगस्त 2021 में, और कहाँ होगी? वोल्गोग्राड, रशिया। देखो, ये जनरली आप लोगों से पूछा जाता है कि कौन से दो कंट्रीज के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज हो रहे हैं। ठीक है, तो ये मिलिट्री एक्सरसाइजेस होते क्यों हैं? इसको करने का जो बेसिक एम होता है वो ये होता है कि जो दोनों देश हैं वो अपनी फोर्सेस को क्या कर सकें, वो अपनी फोर्सेस को स्ट्रॉन्ग कर सकें। स्ट्रॉन्ग करने से सेंस क्या होता है? यानी कि कॉम्बैट एक्सरसाइज होता है एक तरीके का, वॉर एफिशिएंसी, वॉर कैपेबिलिटी को अच्छा करने की कोशिश की जाती है दोनों देशों के द्वारा। ओके, नाउ सी द 12th एडिशन ऑफ इंडो रशिया जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कॉल्ड एक्सरसाइज इंद्रा 2021 विल बी हेल्ड एट वोल्गोग्राड रशिया फ्रॉम 1 to 13 August 2021। 250 पर्सनल फ्रॉम बोथ नेशंस विल फॉर्म पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज। एक्सरसाइज इंद्रा विल फर्दर स्ट्रेंथन म्यूचुअल कॉन्फिडेंस एंड इंटरऑपरेबिलिटी बिटवीन द इंडियन एंड रशियन आर्मीज एंड एनेबल शेयरिंग ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस बिटवीन द कंटिंजेंट। ठीक है, तो प्रीवियसली व्हाट हैपेंड, पहले क्या होता था कि इंडिया रशिया के बीच में जो इंद्रा होती थी, दिस वॉज स्पेशली फॉर नेवी, बट लास्ट ईयर से चेंज हो गया है, अभी तीनों फोर्सेस के बीच में होती है इंद्रा। ओके, अब ये जो इंदिरा होने वाली है, इट विल बी हेल्ड फ्रॉम 1 to 13 August एंड इट विल बी हेल्ड एट वेयर? इट विल बी हेल्ड एट वोल्गोग्राड रशिया। जस्ट रिमेंबर दीज पॉइंट्स, दीज आर इंपॉर्टेंट। अपार्ट फ्रॉम दिस ऑल्सो रिमेंबर अबाउट रशिया, रशिया से रिलेटेड एक और चीज़ को याद रखे रहिएगा कि रशिया की एक कंपनी है जिसका नाम क्या होता है, जिसका नाम होता है रोसैटम। ओके, रोसैटम जो है हमारे वहाँ पर कुंडाकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट पर वर्क कर रही है। दे कैन आस्क यू दिस थिंग, ओके, ये हमारे वहाँ न्यूक्लियर पावर प्लांट कोंडाकुलम पर वर्क कर रही है इफ इट इज आस्क्ड इन एग्जाम। और अभी ये लोग फिफ्थ यूनिट बनाने को कहें, विच यूनिट? फिफ्थ यूनिट, इट विल बी मेड। ओके, तो इन बातों को जरा आप लोग ध्यान रखे रहिएगा। यस, रशिया जो है, केवल अगर हम लोग रशिया की बात कर लेते हैं, फिर इंडिया मिलिट्री एक्सरसाइज की बात कर लेंगे। ओके, तो रशिया और चाइना ये दोनों मिल करके क्या करने वाले हैं? ये दोनों मिल करके एक लूनर स्टेशन शुरू करने वाले हैं, लूनर रिसर्च स्टेशन। और इसको कहाँ पर शुरू करेंगे? मून की सरफेस पे, या तो मून की लोअर ऑर्बिट में। ओके, तो ये चीज़ को ज़रा याद रखना कि ये लोग क्या करने वाले हैं, ये लोग अभी लूनर रिसर्च स्टेशन शुरू करने वाले हैं, रशिया और चाइना, मून की सरफेस पे या लोअर ऑर्बिट में। ओके, ये बात भी ध्यान रखना। फिर रशिया ने जो है यूएसए के साथ में स्टार्ट पर साइन किया है। स्टार्ट क्या होता है? स्टार्ट एक तरीके से होता है और न्यूक्लियर वेपन पर कम वर्क करना, उसे कम यूज़ करने की डील होती है। ये यूएसए और रशिया करते हैं, और अभी फ़िलहाल में 5 साल के लिए किया गया है। इनिशियली इसको 2011 में साइन किया गया था, जो अभी ख़त्म हुआ था, तो फिर से अगले 5 साल के लिए इनको साइन कर दिया गया है। ठीक है, तो चलो ये भी ध्यान रखे रहना। इसके अलावा और हम लोगों को क्या याद रखना होगा? इसके अलावा एक ये बात याद रखिएगा कि जो गगनयान मिशन हमारा है, ठीक है, गगनयान मिशन क्या है? पहली बार भारत की बनी हुई स्पेस क्राफ्ट में 3 एस्ट्रोनॉट्स को भेजा जाएगा स्पेस में, ये होगा गगनयान। ओके, तो गगनयान में जो हम लोगों की एस्ट्रोनॉट की ट्रेनिंग है, ये भी रशिया ही दे रही है, अगर आता है तो, याद रखिएगा, ये इसमें हमारा रशिया पार्टनर रहेगा इन ट्रेनिंग द एस्ट्रोनॉट्स। ये पूछ सकता है एग्जाम में एंड इट इज काइंड ऑफ इम्पॉर्टेंट। ओके, चलो, तो ये सारी बातें हो गई हमारी रशिया से रिलेटेड। और इसके अलावा ये जो कुंडाकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट है तमिलनाडु में, इसको लेके कंफ्यूज मत होना। ओके, चलो अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं इंडिया और मिलिट्री एक्सरसाइजेस की। तो अभी हाल फिलहाल में हमने एक और एक्सरसाइज पढ़ी थी स्लेनेक्स, ये श्रीलंका और इंडिया कर रहा था। देन डस्टलिक को याद रखना, डस्टलिक जो है इंडिया उज्बेकिस्तान के बीच में हुआ है। फिर दो एक्सरसाइजेस याद रखिएगा, युद्ध अभ्यास, ओके, एंड वज्र प्रहार,
ये दोनों ही एक्सरसाइजेस इंडिया ने यूएसए के साथ में किए हैं, ये यूएसए आर्मी के साथ में हुई है, ये स्पेशल फोर्स के साथ में हुई है। युद्ध अभ्यास आपका कहाँ पर हुआ था? युद्ध अभ्यास आपका राजस्थान में हुआ था, वज्र प्रहार आपका हिमाचल में हुआ था। ओके, सो ऑल दीज पॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू कीप दिस इन योर माइंड। अभी हाल फिलहाल में हम लोगों को कुछ ऐसी चीज़ याद रखनी होगी, वन थिंग दैट यू ऑल नीड टू रिमेंबर इज कि अभी हाल फिलहाल में आपका कटलास एक्सप्रेस चल रहा था, ठीक है, ये अगस्त 6 को ख़त्म होने वाला है कटलास एक्सप्रेस। और यहाँ पर जो है बेसिकली वेस्टर्न इंडियन ओशन में ये एक्सरसाइज हो रही है, जिसमें कमांड करके देखा जाएगा आसपास की जो भी ओशन रीजन होती है उसको बेटर रखने के लिए। ओके, इसमें भी भारत जो है पार्टिसिपेट की है, और भारत की तरफ से पार्टिसिपेट करने वाली INS तलवार थी। ओके, कहाँ पर बेसिकली इसे कौन होस्ट कर रहा था, कंडक्ट कर रहा था? इट वॉज होस्टेड इन केनिया मैम्बोसा। ओके, चलो तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थी, इफ़ यू ऑल रिमेंबर दीज थिंग्स, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। किसी को कोई दिक्कत परेशानी ज़्यादा या कम समझ आ रहा है तो बताओ, एंड वी विल बी मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट थिंग। ओके, और हमारे वहाँ मिलिट्री के चीफ कौन होते हैं? हमारे वहाँ मिलिट्री के चीफ का नाम है, फटाफट बता दो। देन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है और इसको बहुत आराम से समझना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। IMF अप्रूव $650 बिलियन हिस्टोरिक एलोकेशन ऑफ स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, ठीक है। तो IMF ने अभी अभी जो है क्या किया है, अभी अभी इन्होंने अप्रूव किया है $650 बिलियन का स्पेशल एलोकेशन फॉर स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। ये होता क्या है, वॉट इज स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स एंड वाई IMF हैज डन इट? ओके, तो इसको करने का क्या मतलब था, इसको करने की सीधी सीधी चीज़ें अगर हम लोग समझते हैं, ध्यान देना। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल वॉट इज दिस स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स? एवरी वन नोज अबाउट IMF। ओके, सो IMF और वर्ल्ड बैंक, IMF एंड वर्ल्ड बैंक बोथ वर फॉर्म्ड, इन दोनों की फॉर्मेशन की गई थी ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के कहने पे। दे वर फॉर्म्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस एंड द मेन रीजन वॉज टू फिनेंस द कंट्रीज, ठीक है। बेसिकली जो भी कंट्रीज थी उनको लोन देने के लिए इन दोनों को बनाया गया था। वर्ल्ड बैंक वॉज फॉर्म्ड फॉर द डेवलपमेंटल प्रोसेस, ठीक है, किसी भी कंट्री में डेवलपमेंट का काम कराना था इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे, तो वर्ल्ड बैंक को बनाया गया और उन्हें इकोनॉमिक हेल्प करने के लिए, ओके, टू हेल्प देम इकोनॉमिकली फाइनेंशियली IMF वॉज फॉर्म, ठीक है। तो कभी भी ऐसी कैश क्रंच होती है, ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है, IMF इज द वन विच गिव्स द लोन। ओके, रिमेंबर दिस थिंग। नाउ When IMF was formed, one more thing was formed, that was SDR, okay? After some time, SDR was formed in 1969. Now, see what happens. IMF में सभी countries का quota होता, okay? So, according to the economic position of countries, all the countries are giving kind of quotas, ठीक है? इनकी economic condition के हिसाब से इन्हें quotas दिए जाते हैं. और according to this quotas only, they are given loans, इन्हें loan दिया जाता है. फिर इसी के हिसाब से इनकी voting right decide होती है, okay? कितना voting right है? And according to this only, they are also given the SDR, okay? इसी के हिसाब से. Quota, how does this quotas are being decided? ये quota decide कैसे होता है? दिस इज डिसाइडेड इन रेफरेंस विद द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ अ कंट्री, किसी कंट्री की क्या इकोनॉमिक कंडीशन चल रही है उसको ध्यान में रखते हुए कोटा डिसाइड किया जाता है। इसी कोटा के हिसाब से कितना लोन वो कंट्री ले सकती है, कितना ज्यादा उसकी वोटिंग राइट है इसके अंदर, क्या SDR होना चाहिए, एवरीथिंग इज डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू दिस कोटा ओनली। ओके, सो SDR इज वॉट, इट इज डिसाइडेड एज पर द कोटा, एंड वॉट एग्जैक्टली इज SDR? SDR इज नथिंग, SDR इज नथिंग, इट इज जस्ट लाइक IMF ने कह दिया कि आई एम गिविंग 10 SDR, okay? I am giving you 10 SDR. So a particular country is given 10 SDR. What does this mean? They can change this SDR in exchange of करेंसीज, ठीक है। ये लोग इस SDR को करेंसीज के रिलेशन में एक्सचेंज कर सकते हैं दूसरी कंट्री से, ओके। सो दैट इज वाई दीज SDR आर गिविंग। इस SDR का यूज कब होता है? वेन डू दीज पीपल यूज द SDR? वाइल टेकिंग द रिजर्व, ठीक है। अगर इन्हें कभी भी जैसे डॉलर वगैरह खरीदना हो तो इसको लेने की वजह से ये लोग SDR को एक्सचेंज करते हैं। दैट इज वाई SDR इज इंपॉर्टेंट। फॉर विच कंट्री? फॉर द डेवलपिंग कंट्री। जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके लिए SDR बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके एक्सचेंज में दे कैन टेक डॉलर्स, एंड एवरी वन नोज कि ये जो डॉलर होता है इसी से क्या कर सकते हैं, हम लोग इंटरनेशनल मार्केट में परचेज कर सकते हैं। दैट इज वाई SDR इज गिवन। किसको ध्यान में रखते हुए जो आपकी IMF या SDR देती है, ये कोटास को ध्यान में रखती होती है।
अब कोटास कैसे दिया जाता है, इकोनॉमिक कंडीशन को. ओके अब नाउ सी दिस इज डीआर इज इंपॉर्टेंट फॉर विच काइंड ऑफ कंट्री, फॉर द डेवलप्ड कंट्रीज और फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज. इट इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज. डेवलप्ड कंट्रीज के पास ऑलरेडी इतना रिजर्व होता है दैट दे डोंट नीड एनी काइंड ऑफ एसडीआर. ओके बट डेवलपिंग कंट्रीज डू नीड दिस काइंड ऑफ एसडीआर सो दैट दे कैन परचेज सर्टेन काइंड ऑफ थिंग्स फ्रॉम इंटरनेशनल मार्केट. ओके इसलिए इनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है बहुत ही ज्यादा. नाउ अब एसडीआर जो है, आप लोग सोचोगे कि अगर ये लोग एक्सचेंज करना चाहते हैं, एसडीआर इनके पास है, ठीक है, इफ डेवलपिंग कंट्रीज आर हैविंग एसडीआर एंड दे आर ट्राइंग टू एक्सचेंज, तो डेवलप्ड कंट्रीज क्यों इसको एक्सचेंज करते हैं? बिकॉज अगर किसी भी कंट्री के पास एक सर्टेन अमाउंट एसडीआर से ज्यादा है तो इसकी जितना भी ज्यादा है उसके हिसाब से इनको इंटरेस्ट मिलता है, और अगर एसडीआर कम है तो कंट्रीज को इंटरेस्ट देना होता है. किसको देना होता है? आईएमएफ को देना होता है. ओके इसलिए इंपॉर्टेंट होता है एसडीआर, क्योंकि इससे परचेज किया जाता है और एक सर्टेन अमाउंट एसडीआर फिक्स होता है कि सभी कंट्रीज को अपने वहां पे एसडीआर रखना है. अगर उससे ज्यादा है तो कंट्रीज को आईएमएफ इंटरेस्ट देगा, एंड इफ इट इज लेस देन दैट देन कंट्रीज विल हैव टू पे द एसडीआर. नाउ व्हेन इज दिस एसडीआर एलोकेटेड? व्हेनेवर देयर इज एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल क्रंच, ठीक है, किसी भी तरीके की फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है तो ये एसडीआर एलोकेशन होती है. क्या इसके पहले कभी किया गया था? हैज इट बीन एलोकेटेड बिफोर दिस? यस, इन 2007 आल्सो. ओके 2007 के टाइम पे भी इसको एलोकेट किया गया था. नाउ $650 बिलियन का फिर से एलोकेशन किया जा रहा है सो दैट द डेवलपिंग कंट्रीज एंड द लो इनकम कंट्रीज कैन टेक दिस एंड बाय डिफरेंट थिंग्स फ्रॉम द एसडीआर. ठीक है, आई जस्ट होप इतनी बातें आप लोगों को. यस, इसको फॉरेक्स रिजर्व की ही तरह से यूज करते हो. जब भी हम लोग फॉरेक्स रिजर्व की बात करते हैं तो उसमें एसडीआर को भी गिना जाता है, और एसडीआर से क्या कर सकते हैं? करेंसीज ले सकते हैं. ओके आई जस्ट होप इतनी बातें आप लोगों को क्लियर होंगी. तो अब देखो सीन क्या है. जो आईएमएफ के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है, इन्होंने जनरल एलोकेशन किया है एसडीआर का, जो कि इक्विवेलेंट है $650 बिलियन यूएस डॉलर के. ठीक है, एसडीआर एलोकेशन जो बेनिफिट करेगा सभी मेंबर्स को, लॉन्ग टर्म ग्लोबल नीड रिजर्व्स की कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा, साथ ही साथ में स्टेबिलिटी लाएगा इनकी ग्लोबल इकोनॉमी में. इसके अलावा एक और चीज को याद रखे रहना, जो जनरल एलोकेशन होता है एसडीआर का, इट विल बिकम इफेक्टिव ऑन August 23, 2021. ठीक है, नाउ ये सारी चीजें इस वजह से किया गया सो दैट इट विल हेल्प ऑल द लो इनकम कंट्रीज एंड द डेवलपिंग कंट्रीज. नाउ अबाउट आईएमएफ, लेट अस लर्न अबाउट द आईएमएफ. आईएमएफ इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 190 कंट्रीज वर्किंग टू फॉस्टर ग्लोबल मॉनिटरी कोऑपरेशन, सिक्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी. दैट एवरीवन नोज इट इज सिचुएटेड एट वॉशिंगटन. हु इज द चीफ? क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा इज द चीफ. द चीफ इकोनॉमिस्ट इज गीता गोपीनाथ. अनदर थिंग दैट वी ऑल नीड टू रिमेंबर इज कि एसडीआर के चीफ कौन होते हैं? हु इज द चीफ ऑफ एसडीआर? अगेन इट विल बी क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा ओनली. ओके दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज, दैट इज रीजन व्हाई एसडीआर इज आल्सो नोन एज पेपर गोल्ड. ओके इसी से इसको करेंसी बास्केट और पेपर गोल्ड कहते हैं. ओके चलो अब हम लोग चलते हैं. और अच्छा, आईएमएफ ने कितनी रेटिंग की थी? आईएमएफ ने इंडिया की जीडीपी रेटिंग कितनी करी थी? टेल मी इफ यू रिमेंबर. हाँ, माय क्वेश्चन इज आईएमएफ ने कितने इंडिया की जीडीपी रेटिंग करी थी? फटाफट बताओ, फटाफट, डोंट टेक टाइम. यस, वेरी गुड, फर्स्ट आंसर इज फ्रॉम स्नेहा एंड दैट इज 9.5. रेस्ट दैट वुड बी 9.5. ओके जीडीपी रेटिंग अभी इन्होंने हाल फिलहाल में 9.5 की है, इसके पहले 12.2 थी, अभी उसको रिड्यूस करके इट इज नाउ 9.5%. ओके नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट. RBI authorizes IndusInd Bank to act as an agency bank. Okay, तो हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं कि RBI ने authorize किया है IndusInd Bank को कि ये एक agency bank की तरह work करे. Now, what exactly is agency bank? ये agency bank होता क्या है? इसका scene क्या है? Okay, चलो मैं जरा अपने pen और paper को set कर लूँ. Yes. See, what exactly is this agency bank? Why do we need to know about the agency banks? देखो, जितने भी एज एन एजेंसी बैंक, IndusInd becomes eligible to carry out transactions related to all kind of government-led businesses. ठीक है, तो पहले हम लोग इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं. एजेंसी बैंक हु आर ऑल्सो नोन एज द एजेंट बैंक. ठीक है, एजेंसी बैंक को हम लोग और क्या कहते हैं? एजेंट बैंक कहते हैं. इनका जो बेसिक वर्क होता है वो क्या होता है? वो ये होता है कि ये लोग सर्विसेज एक्सपेंड करते हैं. ठीक है, दे ऑफर सर्विसेज. ओके, they offer services. What kind of services? They offer services and try to expand the business of some particular bank internationally. ठीक है, तो ये लोग international level पे
बैंक के बिजनेस को एक्सपेंड करने की कोशिश करते हैं और ये लोग किसी और के बिहाफ पे वर्क करते हैं, जो भी एजेंसी या एजेंट बैंक्स होते हैं। तो फिलहाल में जो है आरबीआई ने ऑथोराइज किया है इंडसइंड बैंक को कि ये भी एक एजेंसी बैंक की तरह से क्या कर सकता है, वर्क कर सकता है। ओके, एज एन एजेंसी बैंक इट बिकम्स एलिजिबल टू कैरी आउट ट्रांजेक्शन टू ऑल काइंड ऑफ गवर्नमेंट लेड बिजनेस। ठीक है, तो गवर्नमेंट रिलेटेड जितने भी बिजनेस हैं वो इंडसइंड बैंक क्या कर सकता है, कैरी कर सकता है। द डिसीजन इज बेस्ड ऑन आरबीआई गाइडलाइंस दैट ऑथोराइजेस शेड्यूल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स एज एजेंसी बैंक ऑफ द रेगुलेटर फॉर कंडक्ट ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस। ओके, इंडसइंड बैंक नाउ जॉइंस फ्यू अदर प्राइवेट बैंक्स ऑफ द कंट्री लिस्टेड एज एजेंसी बैंक ऑफ आरबीआई टू कैरी आउट जनरल बैंकिंग बिजनेस ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, सो नाउ दे कैन ऑल्सो डू द बिजनेसेस ऑन बिहाफ ऑफ आरबीआई ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट अपार्ट फ्रॉम ऑफरिंग इट्स कस्टमर्स द कन्वीनियंस ऑफ अंडरटेकिंग रूटीन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन थ्रू इट्स बैंकिंग प्लेटफॉर्म। तो देखो पूरी न्यूज हम लोग बहुत आराम से जो है पढ़ सकते हैं कि आरबीआई ने इंडसइंड बैंक को अलाउ कर दिया अपना एजेंसी बैंक की तरफ वर्क करने को। एजेंसी बैंक का मतलब होता है टू वर्क एज अ बैंक ऑन बिहाफ ऑफ सम अदर इंस्टीट्यूट। ठीक है, दूसरे इंस्टीट्यूट के बिहाफ पे वर्क कर सकता है। उसी तरह से इंडसइंड भी अब कर सकता है, ये कुछ ऐसी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को ज्वाइन कर लिया जो ऑलरेडी ऐसा वर्क कर रहे हैं। क्या करते हैं, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बिजनेस ट्रांजेक्शंस को ये लोग देखते हैं, अब इंडसइंड भी करेगा। जस्ट रिमेंबर दीज पॉइंट्स। नाउ अनदर थिंग दैट वी ऑल नीड टू रिमेंबर इज की जो इंडसइंड बैंक है इसके हेड आपकी कठपालिया साहब है। ठीक है, तो याद रखिएगा एस कठपालिया, सुमंत कठपालिया इज द चीफ। व्हाट इज द टैगलाइन ऑफ इंडसइंड बैंक, दैट वुड बी वी मेक यू फील रिचर, रिमेंबर। ओके, एंड ऑल्सो रिमेंबर अबाउट अ न्यूज, अभी हाल फिलहाल में हमने पढ़ा था कि इंडसइंड इजी क्रेडिट आया है। ओके, इंडसइंड इजी क्रेडिट आया है और ये क्यों लॉन्च किया गया था, इसको बेसिकली लॉन्च किया गया था फॉर Giving digit for approving the digital lending। ठीक है, इससे digital lending को approve किया जा रहा है और digital lending से क्या हो जाएगा, चीज़ें बहुत जल्दी आपकी loan जो है process कर दी जाएंगी। okay, किसकी हमने बात कर ली, agency banks की बात कर ली, IndusInd Bank की बात कर ली और RBI की बात कर ली। okay, now किसी को कोई दिक्कत दुख परेशानी ज़्यादा या कम समझ आया, now this is again very easy thing and a good thing। HDFC Bank launches दुकानदार overdraft scheme for small retailers। ठीक है, तो HDFC Bank ने launch किया है दुकानदार overdraft scheme for small retailers। India's largest private lender HDFC Bank has launched an overdraft facility for small retailers called दुकानदार overdraft scheme to help shopkeepers and merchants in easing their cash crunch। The scheme has been launched in partnership with CSC SPV, Government E-Governance Services Delivery Arm that enables government schemes and services through common service centers। Okay, then Kathpalia sahab is the chief, Suman Kathpalia, who are eligible। ये जो मेरा चश्मा है ये थोड़ा सा टेढ़ा है और वो वाला जो मेरा चश्मा है वो टूट गया है, सो आई एम पुटिंग दिस बिकॉज टूटे से अच्छा है तो टेढ़ा है ना। ओके, एनीवे वो आज मैं मेंट कर दी हूँ, आई एल बी वेयरिंग दैट, तो आप लोग बार बार मुझे थोड़ा ऐसे ठीक करते देखोगे। ओके, बिकॉज ये थोड़ा टेढ़ा है अभी। एनीवे देखो ये सारी चीज़ें किसी के भी साथ होती हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। वी आर ऑल ह्यूमंस एंड एवरीथिंग इज सेम फॉर ऑल ऑफ अस, इजंट इट। नाउ सी, अभी देखते हैं अगला। What is this दुकानदार overdraft scheme? What exactly is दुकानदार overdraft? First we need to understand what is overdraft. Overdraft क्या होता है? तो overdraft credit card का भाई होता है। ठीक है, टेढ़ा है पर मेरा है। Indeed, thank you so much. It is like same only. बिल्कुल सही बताए हो। टेढ़ा है पर मेरा, ये तो मैं सोची ही नहीं थी यार, तुम लोग बहुत अच्छी टैगलाइंस देते हो। एनीवे, व्हाट इज ओवरड्राफ्ट, व्हाट एग्जैक्टली इज दिस, देखो मैंने क्या कहा, ये क्रेडिट कार्ड का भाई होता है। तो दीज आर काइंड ऑफ एडवांस। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं कि ये एक तरीके से एडवांस है। व्हाट एग्जैक्टली इज एडवांस, ये आपको पहले ही दे दिया जाएगा, इजंट इट। जैसे क्रेडिट कार्ड की मैंने बात करी तो बैंक आपको, आप लोग मॉल वगैरह में जाओ, बैंक आपको दौड़ा के पकड़ता है, मैम मैम मैम, और हम लोग भागते थे, नहीं सर अभी नहीं चाहिए। ठीक है, तो ऐसे दौड़ा कर पकड़ता है कि प्लीज मैम एक बार सुन लीजिए, SBI आपको क्रेडिट कार्ड दे रहा है, देख लीजिए आप एलिजिबल हैं, आप ले लीजिए। ओके, ये वाला सीन होता है। तो इट इज लाइक वी आर ऑफरिंग यू सम कैश इन एडवांस और सम काइंड ऑफ प्लास्टिक मनी इन एडवांस, यू कैन टेक इट। ओके, एंड पे इट व्हेन यू नीड इट। ओके, आफ्टर पेइंग यू विल हैव टू पे इंटरेस्ट ऑल्सो, एंड इफ यू आर नॉट पेइंग इंटरेस्ट इन दिस टाइम वी विल बी चार्जिंग इवन मोर। ठीक है, तो ये सीन होता है, इज इंट इट। तो ये क्या होता है कि पहले ही आपको आपकी
फिनेंशियल पोजीशन आपकी ट्रांजैक्शंस को देखते हुए आपको ओवरड्राफ्ट जो है दिया जाता है। जनरली ये किसको दिया जाता है, जिनका करंट अकाउंट होता है। सेविंग अकाउंट पे आपको ओवरड्राफ्ट नहीं दिया जाएगा, ये आपको करंट अकाउंट पे दिया जाता है और देने वाली बैंक्स ही होती हैं टू द बिजनेस पर्सन, ठीक है, तो उन्हें दिया जाता है। क्या कोई भी ऐसी सेविंग अकाउंट है जिस पे दिया जाता है? जनधन योजना पे ओवरड्राफ्ट 10,000 तक दिया जाता है, एल्स ये हमेशा करंट पे ही ऑफर करते हैं। ओके, तो ये जो है देख भी सकते हो दुकानदार, यानी ये मर्चेंट्स के लिए एक नई ओवरड्राफ्ट स्कीम लाई गई है। किसके साथ मिल करके लाई गई है? ये लाई गई है CSE SPV गवर्नमेंट ई गवर्नेंस सर्विस के साथ में, जो कि एनेबल करता है गवर्नमेंट स्कीम और सर्विसेज कॉमन सर्विस सेंटर के साथ में। अब जो भी इसमें रिटेलर्स हैं वो क्या हो जाएंगे? Whosoever are retailers, they are eligible to open their account and get this Dukandar overdraft scheme. Now see here, how to avail this service? Beneficiaries need to provide last 6 month bank statement from any bank. Okay, on the basis of your statement, on the basis of transactions only, you will be given the Dukandar overdraft scheme. The max minimum limit will be 50,000 and maximum will be 10 lakhs. So what I told you, overdraft and credit card are given on the basis of your financial transactions. They are given in advance. You can keep it and at a certain time you can use it. After using it, you have also to pay the interest. Okay, are these overdraft provided to savings account? No, they are not provided on the basis of saving account. They will only be provided on current account. Is there any kind of saving account where we get overdraft? Yes, on Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, we do get overdraft of 10,000 rupees. ओके, स्पेशली द वुमेन्स, ये बातों को ध्यान रखे रहना। ओके, नाउ सी, बैंक विल नॉट सीक एनी कोलैटरल सिक्योरिटी। ओके, सो व्हेन दे आर गिविंग यू दिस एडवांस, दे आर नॉट आस्किंग यू फॉर एनी काइंड ऑफ कोलैटरल सिक्योरिटी। कोई भी बिजनेस फाइनेंशियल इनकम टैक्स रिटर्न कुछ भी नहीं चाहिए होगा, बस आपकी लास्ट 6 month की स्टेटमेंट देखते हुए क्लियर किया जाएगा। किसने अवेल किया है इसको? HDFC। अब HDFC की कुछ और बातें हम लोग कर ले। HDFC ऑल्सो लॉन्च्ड एवा चैट बोट, ठीक है, दे हैव ऑल्सो लॉन्च ईवा चैट बोर्ड, देन दे हैव ऑल्सो लॉन्च सलाम दिल से फॉर द डॉक्टर्स। ओके, दे हैव बीन चार्ज अ पेनाल्टी, इफ यू ऑल रिमेंबर, दे हैव बीन चार्ज अ पेनाल्टी ऑफ ₹10 crore, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, 10 crore पेनाल्टी दे हैड टू पे। इसके अलावा हैज SBI बीन गिवन एनी काइंड ऑफ अवार्ड? डू यू ऑल रिमेंबर, जल्दी जल्दी बताओ, SBI को कोई अवार्ड दिया गया था क्या? याद हो तो बताना। India's best SME bank, okay? India's best SME bank दिया गया था SBI को Asia Money से। Okay, now चलो moving to the next. RBI imposes penalty of ₹50.35 lakh on Jan Lakshmi Cooperative account. Okay, so these cooperative bank. Cooperative banks are always in news of some or for some or the other reasons. Mostly the licenses are cancelled, and now we are learning that a penalty of ₹50.35 lakh has been imposed. Now see, Reserve Bank of India imposed a penalty of 50.35 lakh on Jan Lakshmi Cooperative Bank Nashik for non-compliance with certain regulatory requirement. Okay, it has been imposed for non-compliance by RBI on placement of deposit with other bank by primary cooperative and membership of credit, a statutory inspection. Okay, yesterday, okay, then we'll be finishing it, okay, fast. RBI also imposed a penalty of ₹3 lakh on the Noida Commercial Cooperative Bank. Okay, so you can see that because of the non-compliance in respect to the deposit taking and everything, okay, RBI has imposed a penalty of ₹50.35 lakh on Jan Lakshmi. They can ask you, where is this bank situated? So this is situated in Nashik. Apart from this, one more bank has been penalized for ₹3 lakh. Isko kiske liye laga, kaun se bank pe lagaya gaya? Noida Commercial Cooperative Bank pe, Ghaziabad. Okay, now previously these cooperative banks were working very well, but after some time there has been some or the other kind of frauds. Theek hai, frauds vagera shuru ho gaya, uska ek bahut bada reason tha, they were not under the purview of RBI. So in March 2021 RBI took them under its purview. Now they are also regulated by RBI and also the cooperative society. Okay, so all these cooperative banks will be operated and regulated by RBI and cooperative societies, okay, and also whatever they are functioning, they are doing, whatever they are doing, they have to report it on SISBI, theek hai, ye sari cheeze inhe kahan pe report karni honge, SISBI, all the things they are doing, they have to report it on SISBI within 7 days of the working, okay, everything they will be
रिपोर्टिंग इट हियर. नाउ व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सिसबी? किसी को कोई दिक्कत दुख परेशानी? सी द फुल फॉर्म ऑफ सिसबी इज सेंट्रल इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर. ओके, रिमेंबर दिस पॉइंट. सिसबी, ऑल द cooperative banks will be reporting all the things over here so that RBI can keep a eye on them. Okay, apart from this, also remember, if they are approving a loan more than of 5 crore, they will have to report it on CRILC, that is Central Repository of Information on Large Credit. Okay, this is for all the banks. Now the urban cooperative banks will also be giving will be coming under it. Okay, are urban cooperative banks also under RBI under this audit? Okay, तो रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट, क्या अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स इसके व्यू में आते हैं? यस, वो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स जिनका असेट साइज 500 करोड़ होता है वो इसके परव्यू में आते हैं, उन्हें भी रिपोर्ट करना होता है अंडर आरबीआई. ओके, सो वी हैव लर्नड अबाउट द पेनाल्टी ऑफ 50.35 लाख ऑन जनलक्ष्मी, एंड वी हैव ऑल्सो रिवाइज ऑल द पॉइंट्स रिलेटेड टू कोऑपरेटिव बैंक्स दैट कैन बी आस्क्ड इन एग्जाम. ओके, इसके अलावा जिन पर्टिकुलर कोऑपरेटिव बैंक्स की अभी लाइसेंस कैंसिल की गई है, आई विल बी मेकिंग अ शॉर्ट वीडियो ऑन दिस सो दैट यू कैन रिवाइज. ओके, चलो. IAMAI अपॉइंट्स गुलशन राय एज एडवाइजरी बोर्ड मेंबर. ओके, देखो, IAMAI ने अपॉइंट किया है गुलशन राय को एडवाइजरी बोर्ड मेंबर. व्हाट एग्जैक्टली इज दिस? ओके, सी, द ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो एसेट्स काउंसिल एंड इंडस्ट्री बॉडी formed under the aegis of FinTech Convergence Council of the Internet and Mobile Association of India has announced the appointment of Gulshan Rai, former cybersecurity coordinator, as its advisory board member. Okay, about Rai, he is 30 years of experience in information technology, including e-governance, cybersecurity, and cyber laws. Itna aapse deep mein nahi puchega, just remember one thing that IAMAI ने अपॉइंट किया है गुलशन राय को अपना एडवाइजरी बोर्ड मेंबर. ओके, साउंड कम आ रही है? ओके, अभी तो साउंड ओके होगी, ठीक है, थोड़ा सा हो सकता है मैं धीमे बोली हूँ, बट इतना भी धीमे नहीं होगा, ठीक है ना? चलो भाई, अब ये बात को जरा याद रखिएगा. नाउ IAMAI टॉकिंग अबाउट दिस, इट इज अ नॉट फॉर प्रॉफिट इंडस्ट्री, ठीक है? IMA वर्क्स एज अ नॉट फॉर प्रॉफिट इंडस्ट्री अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860. इट वर्क्स अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860. रिमेंबर, द बेसिक वर्क इज टू एनहेंस द ऑनलाइन एंड मोबाइल वैल्यू एडेड सर्विस, ठीक है? तो बेसिकली जो भी आपकी ऑनलाइन या मोबाइल एडेड वैल्यू सर्विस है इसको बड़ा करने के लिए IAMAI वर्क कर रहा है एक नॉट फॉर प्रॉफिट इंडस्ट्री की तरह. ओके, अभी अभी गुलशन राय को यहाँ पे एडवाइजरी बोर्ड मेंबर सिलेक्ट किया गया है, बस ये याद रखना. एक और अपॉइंटमेंट देख लो, रमा किर्लोस्कर हैज बीन अपॉइंटेड एज द ज्वाइंट मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ किर्लोस्कर ब्रदर. ओके, सो किर्लोस्कर ब्रदर लिमिटेड अनाउंस दैट इट हैज अपॉइंटेड रमा किर्लोस्कर एज ज्वाइंट मैनेजिंग डायरेक्टर फॉर पीरियड ऑफ 5 years. रमा किर्लोस्कर विल लीड द डोमेस्टिक स्मॉल पंप्स डिवीजन एंड वॉल्व बिजनेस ऑफ द कंपनी. ओके, ऑल्सो रिमेंबर अबाउट द HCL, ठीक है? शिव नादर हैज स्टेप डाउन एज द चेयरमैन एंड सी विजय कुमार हैज बीन अपॉइंटेड. अबाउट Amazon, रिमेंबर, जेफ बेजोस हैज स्टेप डाउन एज चेयरमैन एंड एंडी जेसी विल बी टेकिंग ओवर हिम. ओके, तो ये पॉइंट्स को जरा ध्यान रखना, पूछे जा सकते हैं आप लोगों से. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, दिस इज इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इंपॉर्टेंट वेरी नहीं, गलत अंग्रेजी हो गई. चलो ये चीजों को जरा देख लेते हैं. जर्मनीज अलेक्जेंडर वेरेव विंस टेनिस मैन सिंगल गोल्ड एट टोक्यो ओलंपिक्स. ओके, वर्ल्ड नंबर 5 अलेक्जेंडर वेरेव ऑफ जर्मनी बीट रशियन कैरन कैशनोव टू विन गोल्ड मेडल इन मैन सिंगल टेनिस एट टोक्यो ओलंपिक्स. विद दिस वन, 24-year-old जेरेव हैव बिकम द फर्स्ट जर्मन मैन टू विन अ सिंगल ओलंपिक्स गोल्ड. ही इज येट टू विन अ ग्रैंड स्लैम टाइटल. वेरेव इज ऑल्सो द ओनली सेकेंड जर्मन प्लेयर टू विन ओलंपिक सिंगल्स गोल्ड आफ्टर स्टेफी ग्राफ वन एट द 1988 सियोल ओलंपिक्स. ओके, सो रिमेंबर, जर्मनीज अलेक्जेंडर वेरेव, ही वन मेन्स सिंगल्स गोल्ड इन टेनिस. ओके, एट टोक्यो ओलंपिक्स. एक ये पॉइंट को याद रखो. देन ऑल्सो मार्सल जेकब्स ऑफ इटली एंड जमाइकाज एलेन थॉम्सन हेरा विंस 100-meter टाइटल एट टोक्यो ओलंपिक्स. नाउ मार्सल जेकब ऑफ इटली एक्चुअली सरप्राइज्ड एवरीवन बिकॉज एवरीवन वाज लाइक समवन विल बी फ्रॉम जमाइका द विनर फॉर टुडेज, इजंट इट? बट इट वाज मार्सल जेकब्स ऑफ इटली. नाउ सी, मार्सल जेकब्स ऑफ इटली हैज क्लेम्ड मेन्स 100-meter गोल्ड टाइटल एट टोक्यो ओलंपिक्स बिकमिंग द फर्स्ट इटालियन टू टेक द मोस्ट कोवेटेड टाइटल इन एथलेटिक्स.
The 26-year-old Jacob achieved the feat in 9.82nd. Fred Curley of US won the silver in 9.84, while Andre De Grasse of Canada took bronze in 9.89 seconds. Okay, तो इस पॉइंट को ध्यान रखना. हालांकि आपसे इतने डीप में पूछेगा नहीं, इफ इंडिया इज नॉट इन्वॉल्व, दे डोंट आस्क यू क्वेश्चन इन सच डीप. ओके, बिसाइड इंडियन मेडल्स को भी ध्यान रखते हैं इन टोक्यो ओलंपिक्स. इंडियन मेडल्स अभी कौन कौन सी हुई हैं? फर्स्ट रिमेंबर लोवलीना, ओके, वेरी फेमस दीज डेज लोवलीना बोरोगेन, शी वन ब्रॉन्ज. ओके, शी वन ब्रॉन्ज इन वेल्टरवेट, ठीक है, वुमेन्स वेल्टरवेट बॉक्सिंग, याद रखना, वुमेन्स वेल्टरवेट बॉक्सिंग, शी वन ब्रॉन्ज, लवलीना बोरोगेन. देन मीराबाई चानू, शी वन सिल्वर इन वुमेन्स वेट लिफ्टिंग, ठीक है, इनको भी याद रखिएगा, वुमेन्स वेट लिफ्टिंग में ये जीती हैं सिल्वर. ओके, इसके अलावा हम लोगों को किसे याद रखना है? पीवी सिंधु. पीवी सिंधु हैज वन ब्रॉन्ज इन सिंगल बैडमिंटन. ओके, इन्हें याद रखिएगा. देन हम लोगों को किसको याद रखना होगा? रवि कुमार दहिया, जिन्हें अभी सिल्वर मिला है. लेट अस होप फॉर इवन गुड. ओके, और इसके अलावा हम लोग को और किसे याद रखनी होगी? इंडियन हॉकी मेन्स टीम. इंडियन हॉकी मेन्स टीम, इन्हें क्या मिला है फटाफट बताओ? यस, दे हैव वन ब्रॉन्ज. ओके, तो इस पॉइंट को सब लोग ध्यान रखना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आप लोगों से. ओके, किसी को कोई दिक्कत दुख परेशानी, ज्यादा या कम समझ आ रहा है? यस यस, कीप ऑल दीज थिंग्स इन योर माइंड, ये इंपॉर्टेंट है. लवलीना को वुमेन्स वेल्टरवेट ब्रॉन्ज मिला है, मीराबाई चानू को सिल्वर मिला है, पीवी सिंधु ब्रॉन्ज, ओके, इन सिंगल्स बैडमिंटन, रवि कुमार दहिया सिल्वर, देन इंडियन मेन्स हॉकी टीम ब्रॉन्ज. ओके, ये सारे पॉइंट्स को ध्यान रखे रहना. नाउ नेक्स्ट इज, ये तो अभी हमने किया. यूएसए बीट्स मेक्सिको इन एक्स्ट्रा टाइम टू क्लिंच 2021 कॉनकाकाफ गोल्ड कप इन फुटबॉल. ओके, नाउ सी, इन फुटबॉल द यूएस मेंस नेशनल टीम डिफीटेड मेक्सिको 1-0 इन एक्स्ट्रा टाइम टू बी क्राउंड चैंपियन ऑफ द 2021 कॉनकाकाफ गोल्ड कप. This is 7th Gold Cup title for USA. The CONCACAF Gold Cup is the biennial international men's football championship organized by CONCACAF, the football ruling body in North America, Central America and the Caribbean. ठीक है, तो अभी अभी इसमें कौन विनर हुआ है? USA. Can you all tell me recently Argentina ने कौन सा कप जीता था बहुत सालों बाद? That would be Copa America. They have won Copa America. Okay, and also remember, the football is organized by whom? It is organized by FIFA. ठीक है, FIFA is the one which organizes it. And remember, the FIFA for 2022 is scheduled in which country? In Qatar. Will be scheduled in Al Rayyan Stadium. And the this project of Al Rayyan Stadium was given to L&T. Okay, ये L&T को दिया गया था project complete करने के लिए. Okay. हाँ, इस बात को सब लोग ध्यान रखे रहना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है इसके बारे में. ओके, कैन यू टेल मी कि 2026 का जो आपका फीफा, ये कौन होस्ट करने वाला है? 2026 फीफा विल बी होस्टेड बाय, बताते ही रहे. हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं. बुक टाइटल द मोस्ट इनक्रेडिबल ओलंपिक स्टोरीज ऑथर्ड बाय लुसियानो वर्निक, ठीक है, तो लुसियानो वर्निक ने ऑथर किया है एक नई किताब जिसका टाइटल है द मोस्ट इनक्रेडिबल ओलंपिक स्टोरीज. इट वॉज पब्लिश्ड बाय नियोगी बुक्स, ठीक है. इसके अलावा जो फिनोमिनल जर्नी है मार्वेलस इवेंट की इन मेमोरियल फॉर्म में, जेनेसिस टू इट्स ग्लोरी डेज, ठीक है, इसको क्या किया है? इसको इन्होंने लिखा है. ओके, नाउ लुसियानो वर्निकल के बारे में जानना आप लोग एक बार ही देख लेना. ओके, इसके अलावा कुछ और भी अगर हम लोग इंपॉर्टेंट बुक्स की बात कर लेते हैं जो शायद आप लोगों से पूछ लिया जाए, तो याद रखिएगा All Road Leads North, ठीक है, अभी हमने एक किताब के बारे में पढ़ा है, किताब का नाम क्या है कि Most Incredible Olympic Stories, जिसको किसने लिखा है? लुसियानो वर्निकल ने लिखा है. इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट बुक्स को याद रखिएगा, Skillet Kill It, ठीक है, Skillet Kill It, ये लिखे है रोनी स्क्रूवाला ने. प्रेगनेंसी बाइबल लिखी है करीना कपूर ने, ठीक है. ऑल रोड लीड नॉर्थ, ये लिखी है अमीश राज मुलमी ने. ओके, अमीश राज मुलमी, किसकी बात हो रही है? ऑल रोड्स लीड्स नॉर्थ, ठीक है. होम इन द वर्ल्ड, अमर्त्य सेन.
होम इन द वर्ल्ड, इसको लिखी है आपके अमर्त्य सेन जी ने। ये सारी किताबों को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, फिर क्या याद रखनी है आप लोगों को, लैंग्वेजेस ऑफ ट्रूथ, एसेज 2003 to 20, लैंग्वेजेस ऑफ ट्रूथ एसेज 2003 to 20, ये किसने लिखी है, ये लिखी है सलमान रश्दी ने। दीज पीपल आर फेमस एंड सो क्वेश्चन कैन बी आस्ड। ओके नाउ नेक्स्ट, यूएस कोस्ट गार्ड डे विच इज ऑब्जर्व ऑन August 4, कोस्ट गार्ड डे इज हेल्ड एवरी August 4 टू कॉमेमोरेट द फाउंडिंग ऑफ यूएस कोस्ट गार्ड एज द रेवेन्यू मरीन ऑन August 4। ओके, ऑन दैट डे यूएस कांग्रेस गाइडेड बाई हैमिल्टन ऑथराइज द बिल्डिंग ऑफ अ फ्लीट ऑफ फर्स्ट 10 रेवेन्यू सर्विसेज कटर्स हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी वुड बी एनफोर्समेंट ऑफ फर्स्ट टैरिफ लॉज इनेक्टेड बाई यूएस कांग्रेस अंडर यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। इतना हमसे हिस्ट्री नहीं पूछेगा, ठीक है, अगर इतनी हिस्ट्री पूछने लगा तो बैंक निकालना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होने लग जाएगा हम सभी के लिए, इजंट इट। खैर, आप लोग बस ये याद रखे रहना कि फिलहाल में जो है यूएस कोस्ट गार्ड डे कब मनाया गया आपका, 4 अगस्त को मनाया गया। ठीक है, इसके अलावा एक और क्या चीज़ इंपॉर्टेंट रखोगे, 12 अगस्त को आपका क्या मनेगा, 12 अगस्त का आपका होता है इंटरनेशनल यूथ डे। ओके, और नेशनल यूथ डे कब होता है, नेशनल यूथ डे होता है आपका 12 जनवरी को। किसके बर्थडे के दिन होता है, ये होता है आपका स्वामी विवेकानंद जी के बर्थडे के दिन। ओके चलो, हाँ अभी देख लेते हैं हम लोग अगला, और ये हमारा आज तमिलनाडु। ओके चलो, वॉट इज द कैपिटल, चेन्नई, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट, 33, फॉर्मेशन 26 जनवरी 1950, चीफ मिनिस्टर एम के स्टैलिन, हु इज द गवर्नर, बनवारी लाल पुरोहित, न्यूक्लियर पावर प्लांट कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट, ओके विच इज बींग मेड बाई रशिया। ओके नाउ आओ थोड़ी सी और बातें कर लें हम लोग तमिलनाडु की, यू कैन सी। ओके, अभी अभी आप लोगों को याद होगा श्रीविलिपुत्तूर की हमने बात करी थी तमिलनाडु में। ओके, सो श्रीविलिपुत्तूर जो है ये आपका 51st टाइगर रिजर्व था और तमिलनाडु का 5th टाइगर रिजर्व है। ओके, ये यू कैन सी कन्याकुमारी। ओके, फिर यहाँ थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे हम लोग को श्रीलंका मिल जाएगा, इधर आ जाओगे आपको अंडमान मिल जाएगा। ठीक है, सी की बात कर रही हूँ, नेबरिंग स्टेट्स एवरीवन नो, यहाँ आपको केरल दिख जाता है। ओके, एंड ऑल्सो रिमेंबर दैट तमिलनाडु, ओके द स्टेट विच गॉट सेपरेटेड वॉज, विच वॉज द स्टेट विच गॉट सेपरेटेड फ्रॉम तमिलनाडु ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज के बेसिस पे तमिलनाडु से कौन सा स्टेट सेपरेट हुआ था, फटाफट बताना। हाँ, राम से तो भी मिल जाएगा हम लोग, ठीक है, उसी से चढ़ के चला जाएगा। एनी वे, हियर आई एम लिविंग नियर नियर टू दिस पॉइंट, हियर हियर, यहाँ पे मैं अभी फिलहाल में हूँ। ओके, कन्याकुमारी के इधर और बिल्कुल करीब हूँ, यस, आंध्र प्रदेश। ओके, इन 1953 स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट से तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश को अलग किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, ठीक है, जो कि पहली बार लैंग्वेज के बेसिस पे अलग किया गया था। इसके अलावा फिर काफ़ी सारे किए गए, जैसे कि पंजाब और हरियाणा, दे हैव ऑल्सो बीन सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज ओनली, ठीक है, ऐसे ही तमिलनाडु, ये पहली बार किया गया था, जबकि स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट आपका 56 का होता है, बट इट वॉज डन इन 53 ओनली। ओके, एनी वे, मूविंग टू द नेक्स्ट, आज के आपके होमवर्क क्वेश्चंस, यस, राइट नाउ आई एम इन तमिलनाडु ओनली, आई एम नॉट फ्रॉम तमिलनाडु, आई एम फ्रॉम उत्तर प्रदेश गोरखपुर, बट राइट नाउ आई एम इन तमिलनाडु। आरबीआई हैज रिसेंटली एम्पैनल्ड इंडसइंड बैंक इन विच कैटेगरी टू एनेबल द बैंक कैरी आउट ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू ऑल गवर्नमेंट लेड बिजनेसेस, इंडस्ट्रियल एजेंसी, एसोसिएट और नियो। नेक्स्ट, नेम द प्लेयर हु हैज क्लेम्ड द मेन सिंगल गोल्ड टाइटल एट टोक्यो ओलंपिक्स, डैनियल मेडवेडेव, कैरन कैंचोव, डिएगो श्वार्टमैन, अलेक्जेंडर वेरेव। नेक्स्ट, हाउ मेनी इंडियन कंपनीज फीचर्स इन 2021 फॉर्च्यून्स ग्लोबल 500 लिस्ट, 11, 5, 7, 9। विश प्लेयर हैज वन मेन्स 100 मीटर्स गोल्ड टाइटल एट टोक्यो ओलंपिक, मार्सल जैकब, फ्रेड कर्ली, एंड्रू डे ग्रास, रशीद डायर। How much amount of record general allocation fund has been sanctioned by IMF in SDR form to help its member countries deal with pandemic crisis? USD 500 billion, 650 billion, 550 billion or 600 billion? ओके, सो इफ यू लाइक दिस सेशन प्लीज इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, एंड ऑल्सो मंडे से सुबह 6 बजे आ जाना, यहाँ पे बहुत ही डीप में डिस्कशन होगी करंट अफेयर्स की प्लस बैंकिंग गवर्नेंस के भी, आपके 4 to 5 points आपको डेली बेसिस पे मिलेंगे। ओके ओके, एनीवे, चलो फिर मिलेंगे अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए घर पे रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, टेक केयर, लव यू, बाय, जय हिंद।